हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको मेरी करवा चौथ की कुछ तैयारियां दिखेंगी। आज के ब्लॉग में सर मैं आपको अपनी तैयारियां दिखाऊंगी और थोड़ी बहुत शॉपिंग दिखाऊंगी या बताऊंगी। ओके, तो अब मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी। अब मेरे को जाना है कुछ पूजा का सामान लेने, सिंगार का लेना है, कुछ पूजा का लेना है। मिलते हैं फिर। इस पर मैं खुद लगाऊंगी। एंड मेरे ब्लाउज मैंने कल बना लिया था, रात को 11 बजे के बाद बनाया ब्लाउज, बन गया। अब बस मुझको करवा और सजाना है, क्योंकि ना करवा अच्छे मिल नहीं रहे। मैं बिल्कुल सिंपल करवा लेके, क्या मार्केट में थोड़े अच्छे से करवा मिल नहीं रहे थे, तो मैं क्या सिंपल ही मार्कअप करवा उठा लाई। अब मैं घर में इसको गोल्डन कलर से पेंट कर रही हूँ। मेरे पास कुछ कलर रखे थे, तो मैं सोचा कस्टी में कर लेता हूँ। फटाफट कर लिया मैंने, पूरा हो गया। बस इसको ये सूख जाए, इसमें कांच लगा और लगाना है। हे गाइस, मेरी मेहंदी लग गई है और सूख भी गई है, और मैंने मेरे लहंगे को एक बार वॉश करके रख दिया है। अब मैं कल पहनूंगी। करवा भी पेंट हो चुका है, बस उसको अभी तैयार और करना है। उसको अभी तो हो चुका है, मेरा पूरा करवा भी तैयार हो चुकी है, पूरी तैयारी। मैंने कांच लगा लिए है, मतलब लगा रही हूँ। इस कांच में ना क्या फेविकोल ज़्यादा हो गया था, तो इन्हें पकड़ रहा था। अब ठीक हो गया, मैंने उसको निकाल के अच्छे से लगा लिया है। ये है मेरा लहंगा। इसको मैंने अगली साल वेयर किया था, पर उसकी फ़ोटो में बाद में बताऊँगी आपको। तो ये ऊपर नीचे का गोल्डन का था और रेड का सिल्क का दुपट्टा डाला हुआ था मैंने। तो इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया, एक और लहंगा पर उसको नहीं पहना, तो इस बार मैंने गोल्डन लहंगा, गोल्डन दुपट्टा और मैरून कलर का मैंने पार्वती पैटर्न का ब्लाउज बनाया है, तो शायद अच्छा लगेगा। और बिल्कुल सिंपल सा मैंने नेकलेस लिया है, और ये मेरी चूड़ियाँ भी वेलवेट की है। देखते हैं कैसे लगते हैं। साड़ी है मैंने मम्मी के लिए ली है, मम्मी के लिए सास को देते हैं साड़ी, तो ग्रीन कलर की बहुत प्यारी कॉटन की है। ये चूड़ियाँ है, सिम बिंदी है, सिंगार का सामान है, ये पूजा का मेरे पास थोड़ा सा सामान बच रहा था, तो मैंने सोचा नेल पेंट और लगा लेते हैं। नेल पेंट ये छोटे से वुडन के बॉक्स में रखती हूँ मैं सारे इकट्ठे करके, क्योंकि ऊपर रखो तो धूल भी जम जाती है। और फिर मैं क्या सबको इकट्ठा सारे नेल पेंट को रख देती हूँ, तो मैं रेड कलर का नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि कल बोलते ना सुहागनों वाला दिन रहता है, तो अच्छा लगता है थोड़ा रेड रेड सब कुछ। रेड साड़ी तो नहीं पहन रही हूँ, पर रेड कलर का नेल पेंट लगाया है मैंने, और मैंने पैर में लगा लिया। हाथ को ना, जब मैं हाथ की बोटरी भरूंगी ना, तभी मैं नेल पेंट लगा लूंगी। अब रात को बोटरी भर लूंगी, पर कल नेल पेंट लगा लूंगी। थोड़ा बहुत काम के कर के लिए भी बचे रहने देती हूँ। हे गाइस, तो हो गई है मेरी पूरी तैयारी। अब जो बची कुछ तैयारी उसके साथ मिलते हैं कल। तो आप लोगों ने मेरा सामान देख ही लिया है, सारी तैयारी हो चुकी। माहौल वगैरह जो मैं कल लगाऊंगी, मेहंदी मेरी लग चुकी, बस ये भरना है, तो मैं रात को भरूंगी। तो मिलते हैं कल करवा चौथ के दिन, देखते हैं कैसा दिन निकलता है। बाय।